ऑल गॉर्जियस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ प्रिया नेगी। तो आज मैं आपके लिए फिर से ले आई हूँ मीशो साड़ी हॉल। जी हाँ, आप सभी को मेरे मीशो साड़ी हॉल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। आपका बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, तो सबसे पहले उस सभी प्यार और सपोर्ट के लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सभी की पसंद को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर से मीशो से कुछ साड़ीज़ पिक करी हैं, और ये वीडियो इन बिटवीन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके लिए आपको ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये चैनल या ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और कॉमेंट भी करिएगा। सभी साड़ीज़ के जो कोड हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो इनकेस अगर आप परचेस करना चाहते हो तो। और अगर आपने अभी तक मीशो को डाउनलोड नहीं किया है तो मैं मीशो का डाउनलोड लिंक और साथ में अपना रेफरल कोड भी मेंशन कर दूंगी। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से मीशो को डाउनलोड करते हो तो आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% ऑफ या फिर फ्लैट 100 रुपीज़ ऑफ मिल जाता है। तो बिना ज़्यादा कुछ बात किए हुए चलिए जल्दी से चलते हैं और आज का हॉल पिटारा चेक करते हैं। 3 साड़ी टोटल परचेज करी है आपकी बार मीशो से, और ये सभी जो है बहुत ही मुझे इस तरीके की जो सेलोफेन पैक में होता है इसी तरीके से रिसीव हुई हैं। तो फर्स्ट साड़ी जो है वो कुछ इस तरीके से पिस्ता कलर की है, इस पर पूरा फ्लोरल प्रिंट हो रखा है। और गाइज, इस साड़ी का जो है मैं पिंक शेड आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं किया है तो वो वीडियो भी ज़रूर चेक कर लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो ये साड़ी कुछ इस तरीके से है, कॉटन सिल्क मटीरियल में है, और ये देखिए साड़ी में आपको ऑल ओवर ये फ्लोरल प्रिंट मिल जाता है। ब्लाउज़ पीस जो है वो आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा, पिस्ता कलर का रनिंग में है, इसमें कोई भी वर्क नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। और साड़ी जो है वो कुछ इस तरीके से है, ऊपर और नीचे आपको दोनों में इस तरीके से गोल्डन वर्क मिल जाएगा, और बीच में पूरी साड़ी फ्लोरल है जिसमें इस तरीके से कुछ येलो, ऑरेंज और पिंक कलर के जो है फ्लावर्स बने हुए हैं। पूरी साड़ी में आपको इसी तरीके से फ्लोरल प्रिंट मिलेगा। साड़ी की जो लेंथ है वो 5.5 मीटर्स है, और ब्लाउज़ की जो है वो 80 सेंटीमीटर्स है, तो एकदम परफेक्ट है इसका लेंथ भी। साड़ी का जो आंचल है वो कुछ इस तरीके से है, पूरा गोल्डन कलर में है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। वेयर करने के बाद साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है। इस साड़ी में जो है 60% कॉटन है और 40% सिल्क है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सुपीरियर क्वालिटी की ये साड़ी है, जो कि मुझे समवेयर अराउंड 230 या 240 की पड़ी है, सो इट्स अ स्टील डील। मुझे इसका पिंक शेड बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जो कि मैंने अपने लिए रख लिया, और मुझे किसी ने ये फैमिली में मांगा था तो उसके लिए मैंने ये पिस्ता कलर ऑर्डर किया है, पर दिल तो मेरा इसमें भी आ ही गया है। नेक्स्ट साड़ी जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब आप बोलोगे ये साड़ी तो देखी देखी सी लग रही है। जी हाँ, ये साड़ी मैं ऑलरेडी अमेज़ॉन से परचेज़ कर चुकी हूँ, वहाँ पे मुझे ये 1100 की पड़ी थी और मीशो में मुझे पड़ी है 900 की। तो हम चेक करते हैं कि मीशो में क्या हमें सेम क्वालिटी मिली है या नहीं मिली है। डिस्काउंट तो ऑब्वियसली हमें 200 रुपीज़ लेस मिला है, तो इसकी क्वालिटी भी चेक करते हैं। ये मैंने किसी और के लिए ऑर्डर किया है। हाँ गाइज, ये साड़ी जो है वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, सिर्फ मीशो में ही मिल रही है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मीशो से ले सकते हो। चलिए इसकी क्वालिटी देखते हैं किस तरीके से है। मैंने इसको अभी तक ओपन भी नहीं करा है, इसमें कुछ थ्रेड लगा हुआ है। ओके, तो साड़ी जो है हमें इसी तरीके के सेलोफेन पैक में ही मिलती है, और ये देखिए ये साड़ी जो है ये सिल्क ब्लेंड में है। सबसे पहले हम इसका ब्लाउज़ पीस चेक कर लेते हैं। ब्लाउज़ पीस जो है इसका कुछ इस तरीके से है, ये देखिए गोल्डन में सिल्क जकार्ड मटेरियल है इसका, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फाइन है। और हाँ गाइस, इसको टच करके मैं आपको बता सकती हूँ कि ये एग्जैक्ट सेम वही मटेरियल है जो मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये देखिए इसका ब्लाउज़ पीस कुछ इस तरीके से है, जिसमें ये सेल्फ वर्क किया गया है गोल्डन और क्रीम कलर का, और ब्लाउज़ के दोनों ही साइड पर आपको इस तरीके से ये वर्क मिल जाता है। पूरा जरी वर्क और थ्रेड वर्क हो रखा है, जिसमें कि पिंक और ग्रीन कलर से आपको फ्लावर्स और पत्तियां मिल जाती हैं। ये ब्लाउज़ का एक साइड है और ये इसका दूसरा सिरा है, तो दोनों ही जगह आपको ये सेम वर्क मिला हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है इसका भी, ये देखिए पूरे में जरी वर्क हो रखा है, और ये इसका बैक साइड है ब्लाउज़ का। साड़ी की बात करें तो साड़ी जो है वो कुछ इस तरीके से है। साड़ी के टॉप पे भी आपको यही वर्क मिल जाता है, इन बिटवीन पूरी साड़ी में ये बूटा वर्क हो रखा है, ये देखिए। और साड़ी के बॉटम में भी सेम यही वर्क है जैसे कि ऊपर हो रखा था। पूरी साड़ी दिखाती हूँ आपको मैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है। पूरी
जो है ये रनिंग में है और सेम इसमें पूरा बूटा वर्क हो रखा है और बैक साइड पे आप देखेंगे ना कितना फाइन वर्क है, ये देखिए कोई भी थ्रेड नहीं निकल रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी फिनिशिंग हो रखी है। और ये इसका फ्रंट है। इस साड़ी की भी जो लेंथ है वो 5.5 मीटर्स है और ब्लाउज़ जो है वो 80 सेंटीमीटर्स का है। ये देखिए ये है साड़ी का आंचल इस तरीके से। यहाँ पे भी आपको जैसे इसके बॉर्डर में वर्क हो रखा था बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे फ्लावर्स मिल जाएंगे। तो इसमें जो है ना हमें ये स्टिच करवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से थ्रेड्स निकल रहे हैं, इसकी स्टिचिंग करवानी पड़ेगी। बट पूरी साड़ी जो है बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही समरी लुक है और इस साड़ी को भी जो है ना किसी भी एज ग्रुप के हो आप वेयर कर सकते हो। बहुत ही एलिगेंट लगती है और समर वाइब्स देती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था कि सेम चीज़ अमेज़ॉन पे भी मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे भी मिल रही है और मीशो पे भी मिल रही है। तो मीशो में अगर हमें इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या ये क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है? बट सीरियसली गाइज, ये साड़ी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल एकदम स्टील डील है। मुझे 200 रुपीज़ यहाँ पे कम मिल गई। मैं तो इसको अमेज़ॉन से ही लेने वाली थी बट वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक था, सो मैंने फाइनली इसको मीशो में देखा और यहीं से बाय कर लिया। बहुत ही प्रिटी साड़ी है, आप भी चाहें तो इसको डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। लास्ट में जो आपके साथ साड़ी शेयर करूँगी वो भी कुछ इसी तरीके की पैकेजिंग में मिली है और ये साड़ी भी आपने देखी होगी। ये दोनों साड़ीज़ की जो है मैंने वीडियो पोस्ट करी थी और फैमिली में ना बिल्कुल यूँ हो गया कि हमको भी ये साड़ीज़ चाहिए। बट ये दोनों ही साड़ीज़ अमेज़ॉन में और फ्लिपकार्ट में आउट ऑफ स्टॉक थी और मीशो को स्क्रॉल करते टाइम मुझे ये दोनों दिख गई तो मैंने यहीं से पिक कर ली हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है। मैं इन सभी साड़ीज़ को जस्ट अभी ही ओपन कर रही हूँ। ये देखिए ये कुछ ब्लू कलर से है। इसका जो मटेरियल है ये कॉटन सिल्क है। सबसे पहले मैं इस साड़ी का ब्लाउज़ पीस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये इसका ब्लाउज़ पीस है, फूशिया पिंक कलर का है। इसके एक साइड पे आपको इस तरीके का जरी वूवन वर्क मिल जाता है और एक साइड में आपको कुछ इस तरीके से ये वाला वर्क मिल जाता है। आप चाहे तो इसको ब्लाउज़ की बेल्ट में ले सकते हो और इस चीज़ को आप स्लीव्स में ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। और हाँ गाइस, इसी साड़ी का ग्रीन शेड मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी ज़रूर चेक करिएगा। बहुत ही प्रिटी कलर है, अगर आपको वो पसंद आता है तो आप वो ले सकते हो, अदरवाइज़ आप ब्लू शेड भी ले सकते हो और भी इसमें काफ़ी सारे जो हैं शेड कलर्स अवेलेबल हैं। साड़ी में ऊपर से आपको पूरा ये वाला वर्क मिल जाएगा जो कि थोड़ा सा पतला बॉर्डर है और साड़ी के नीचे आपको ब्रॉड बॉर्डर मिल जाता है जो कि पूरा जरी वूवन वर्क है इस तरीके से। साथ में साड़ी को ना और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है इसमें जो इन्होंने ये पिंक यू नो साइड में ये कर दिया है ना वर्क, जो ये पूरा रनिंग में ही जा रहा है ऊपर और नीचे, तो ब्लाउज़ के कंट्रास्ट में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए पूरी साड़ी ऑल ओवर इसी तरीके से है। इस साड़ी की लेंथ भी जो है वो 5.5 मीटर्स है और ब्लाउज़ जो है वो 80 सेंटीमीटर्स है। परफेक्ट ऑप्शन है। ये इसका आंचल है इस तरीके से, ब्लाउज़ के साथ मैचिंग दे रखा है। ये जो गोल्डन आप देख रहे हो ना ये पूरा जरी वर्क है, ये कपड़ा नहीं है, जरी है पूरी पिंक के साथ कंट्रास्ट में। और इस तरीके से आंचल के साइड में आपको टैसल्स मिल जाते हैं, ये देखिए। और हाँ, ये साड़ी जो है ये मैंने मीशो से ली है 770 की और यही सेम साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी 980 की। तो आप देखो ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ या 150 रुपीज़ तक का ऑफ आपको मिल जाता है अगर आप मीशो से लेते हो। आपको काफ़ी बार मैं ये बोल चुकी हूँ, अगर आप सेम ब्रांड की चीज़ ले रहे हो तो उसकी क्वालिटी सेम ही रहने वाली है। डिपेंड करता है आपको किस वेबसाइट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, आप वहीं से पिक कर लीजिए। तो गाइस, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप इनमें से कोई भी साड़ी परचेज करना चाहते हो आँख बंद करके कर लीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने अमेज़ॉन से भी सेम साड़ी परचेज़ करी है, फ्लिपकार्ट से भी सेम साड़ी परचेज़ करी है। क्वालिटी इनकी हूबहू बिल्कुल वैसी ही है, 19-20 का भी कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है सिर्फ डिस्काउंट का। आपको मीशो में काफ़ी अच्छा वाला डिस्काउंट मिल जाता है। मुझे ऑलमोस्ट क्रीम वाली और ब्लू वाली दोनों साड़ीज़ में ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट ज़्यादा मिला है मीशो पे और क्वालिटी बिल्कुल सेम है। तो अगर आपको कुछ भी इसमें से पसंद आता है तो आप जल्दी से उसको पिक कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। सी या।